दोनों के अलॉय व्हील्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है। आगे मिलते 12 इंच और पीछे मिलते 10 इंच, तो अलॉय व्हील्स बिल्कुल सेम मिलते हैं। अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करता हूँ ना, तो कहीं ना कहीं 1%, वैसे तो 90% सेम है, लेकिन कहीं ना कहीं 1% जो है ना बर्गमैन की बिल्ड क्वालिटी अच्छी देखने को मिलती है, बस 1%, वरना बिल्कुल सेम है। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबके अपने चैनल ऑटो एक्सपर्ट में। सुजुकी एविनेस जो बाद में लॉन्च हुई ना, वो बर्गमैन और एक्सेस का मिक्सर है, लेकिन एक्सेस के साथ तो हम इसका कंपैरिजन कर चुके हैं, अब रहता था खाली बर्गमैन। तो आज बर्गमैन और एविनेस का कंपैरिजन करते, देखते दोनों में क्या डिफरेंस है और सबसे बड़ी बात है कौन सा वैल्यू फॉर मनी है। प्राइस की बात करते तो एविनेस की एक्स शोरूम तो मतलब क्या ही प्राइस बात करेंगे, सीधा ओनर प्राइस की बात करते हैं। तो एविनेस की ओनर प्राइस है 1,10,000 रुपये और बर्गमैन की प्राइस है 1,12,000 रुपये, तो 2,000 रुपये महंगा है बर्गमैन एविनेस से। लेकिन आप देख सकते हो कि प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, प्राइस के मामले में वो दोनों ही ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलते हैं। दोनों ही स्कूटर ब्लूटूथ एडिशन के साथ आते हैं, लेकिन यार मतलब इन दोनों की स्पेसिफिकेशन की बात करें, मतलब माइलेज, फ्यूल टैंक, तो उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हम आगे बात करेंगे दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, लेकिन स्पेसिफिकेशन ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब इंजन वगैरह, माइलेज वगैरह ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलती है। चलो बाकी डिटेल में बात करते हैं क्या क्या इसमें अपने को दिया गया है। एविनेस की तरफ आते हैं तो एक बार मैं इसका इंडिकेटर ऑन करते हैं, तो इसमें हेलोजन लाइट के साथ इंडिकेटर दिया गया है और मिनी साइज की विंडशील्ड देखने को मिल जाती है ब्लैक कलर में। वहीं दूसरे बर्गमैन की बात करते हैं, इसके भी इंडिकेटर ऑन कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एलईडी लाइट अपने को देखने को मिलती है और हेलोजन के साथ ही इंडिकेटर मिलते हैं। इसमें भी अपने को एलईडी लाइट देखने को मिलती है एविनेस में, तो लाइट्स के मामले बिल्कुल सेम है, दोनों में अपने को डिजाइल्स वगैरह मिल जाते हैं। काफ़ी बड़ी साइज़ की विंडशील्ड मिलती है बर्गमैन में, तो ये थोड़ा बहुत चेंज है, और बाकी मिरर तो सेम ही देखने को मिलते हैं, आप देख सकते हो। नीचे की तरफ आते हैं तो एक बार व्हील की बात कर लेते हैं, और अगर व्हील्स की बात करते हैं तो आगे वाले अपने को 12 इंच की व्हील देखने को मिलते हैं बर्गमैन में भी, तो आगे वाले व्हील बिल्कुल सेम देखने को मिलते हैं। रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं दोनों तरफ, मतलब बर्गमैन में भी एविनेस में भी, तो काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स का यूज़ किया एविनेस में, लेकिन बर्गमैन में ज़्यादा ग्राफिक्स नहीं मिलते, बस ये थोड़ा बहुत ब्लैक कलर में शाइनी फिनिश मिल जाता है, एविनेस में ये सब नहीं मिलता। टायर साइज पे आते हैं, 90x90 का टायर साइज मिलता है बर्गमैन में, और वहीं एविनेस में बिल्कुल सेम मिलता है 90x90 का, तो उसमें भी कोई चेंज नहीं है। दोनों में अपने को आगे की तरफ डिस्क ब्रेक देखने को मिलते हैं, वैसे दोनों में ड्रम ब्रेक्स का भी अवेलेबल है, मतलब ड्रम ब्रेक्स भी आप ले सकते हो लेना चाहो तो, लेकिन टॉप मॉडल में तो डिस्क ब्रेक ही मिलते हैं। कार वेट की बात करते तो 106 kg का मिलता है एविनेस में, और बर्गमैन में मिलता है 110 kg का, यानी 4 किलो वजन ज़्यादा है बर्गमैन का। लेगरूम की बात करते वो बिल्कुल सेम ही देखने को मिलता है बर्गमैन में भी एविनेस में भी, तो लेगरूम में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते तो बर्गमैन में अपने को 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, और एविनेस की बात करते हैं, एक काम करता हूँ उस तरफ चलता हूँ, वहाँ से हम अच्छे देख पाएंगे, तो इसमें भी सेम ही मिलता है 160 mm का, तो ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में दोनों बिल्कुल सेम देखने को मिलते हैं। दोनों की अगर हाइट और लेंथ की बात करते हैं उसमें भी ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, वो भी बिल्कुल सेम देखने को मिलती है। अगर टोस्पर की बात करते हैं वो भी बिल्कुल सेम है, 90+ के दोनों में टोस्पर देखने को मिलती है। अब रास्ता तो है नहीं, इसके ऊपर से जाना पड़ेगा, मतलब इसके ऊपर से कूद के जाना पड़ेगा। 0-60 टाइम की बात करें तो लगभग 10 सेकेंड के आसपास का दोनों का टाइम है 0-60 का। 125 ही स्कूटर में इतना ही टाइम होता है 10 सेकंड के आसपास का 0-60 के लिए। बाकी एक बार दोनों का बूट स्पेस भी ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ से आप देखो किस में ज़्यादा मिलता है। एविनेस की बात करते हैं तो इसमें मिलता है 21.8 लीटर का बूट स्पेस, और ये फर्स्ट एड के लिए कुछ बुक्स वगैरह मिल जाती है, और बर्गमैन में मिलता है 21.5 लीटर का, तो बस हल्का सा बूट स्पेस कहीं ना कहीं एविनेस में ज़्यादा मिलता है। इसमें भी सेम ही मिलते हैं, फर्स्ट एड कुछ बुक्स वगैरह मिल जाती है। फ्यूल टैंक की बात करते हैं, इसमें अंदर दिया गया है लेकिन इसमें बाहर दिया गया है एविनेस में, तो ये डिफरेंस है। बर्गमैन में 5.5 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है, एविनेस की बात करते हैं तो इसमें चाबी निकालनी पड़ती है, फिर चाबी यहाँ लगाओ उसके बाद ये खुलेगा, तो इसमें मिलता है 5.2 लीटर का, तो कहीं ना कहीं हल्का सा ज़्यादा फ्यूल टैंक मिलता है बर्गमैन में, तो ये भी दोनों में थोड़ा बहुत चेंज है, बस थोड़ा बहुत ही है बस। अगर माइलेज की बात करते हैं दोनों में वैसे 45-55 km की माइलेज निकाल देगी, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी अगर प्रैक्टिकल देखें ना, तो एविनेस की माइलेज ज़्यादा निकल सकती है,
बाकी दोनों की स्टेयरिंग पोजीशन आप देख सकते हो। बर्गमैन थोड़ा बैंड होकर चलाना पड़ेगा, लेकिन एविनेस थोड़ा कहीं ना कहीं कंफर्टेबल हो सकता है क्योंकि इसमें ज़्यादा बैंड नहीं होना पड़ता। बाकी जुमे क्लस्टर की बात करते हैं, इसमें पूरा डिजिटल मिलता है, तो इसमें टाइम, एवरेज रेंज, यहाँ पे बटन दिया गया, यहाँ से आप एडजस्ट करते हैं ट्रिप की सेटिंग्स, स्पीड, टोटल किलोमीटर, तो यहाँ से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे हाई बीम, लो बीम, इंडिकेटर का स्विच, ऑन का स्विच, स्टार्ट करने का स्विच, और बर्मे में भी बिल्कुल सेम ही देखने को मिलता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के मामले में बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं है। टाइम, इंजन टेम्परेचर, टोटल किलोमीटर, ये सब मिलता है। और ये साइड इंडिकेटर, हाई बीम, लो बीम, ऑन का स्विच और स्टार्ट करने का स्विच। अगर यूएसबी पोर्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे साइड में एक स्पेस दी गई है एविनेस में, इसके अंदर मिलता है यूएसबी पोर्ट, इसके लेफ्ट साइड में स्पेस दी गई है। यहाँ पे 5 kg हुक मिल जाता है। बर्मे में भी बिल्कुल सेम है, राइट साइड में स्पीड, हुक, इसमें भी अंदर की तरफ यूएसबी पोर्ट दिया गया है, तो ज़्यादा कुछ चेंज नहीं मिलता आप देख सकते हो। और लेग रूम भी बिल्कुल सेम ही देखने को मिलता है। पीछे की तरफ आते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हो दोनों की बैक टेल लैंप मिलती है LED, एविनेस में देख सकते हो LED बैक टेल लैंप देखने को मिलती है। हेजिंग बल्ब के साथ इंडिकेटर देखने को मिलता है। बर्गमैन में भी LED बैक टेल लैंप। टायर साइज़ की बात करते हैं, 90x100 का टायर साइज़ है बर्गमैन का, और एविनेस का बिल्कुल सेम है 90x100 का, तो टायर साइज़ भी बिल्कुल सेम है। बर्गमैन में पीछे 10 इंच के व्हील देखने को मिलते हैं, और वहीं दूसरी तरफ एविनेस में भी 10 इंच के व्हील दिए गए हैं, तो ये भी बिल्कुल सेम मिलता है। एविनेस में एविनेस की ब्रांडिंग मिलती है, बर्गमैन में बर्गमैन की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। पीछे वाले अगर हैंड ग्रिप की बात करते हैं थोड़ा स्टाइलिश मिलता है, बर्गमैन में थोड़ा नॉर्मल दिया गया है। सीट कंफर्टेबल की बात करते हैं, दोनों ही अपने को एक जैसी सीट दी गई है, तो इसमें थोड़ी ब्लैक कलर की मिलती है, बर्गमैन में हल्का सा ब्राउन टाइप में मिलता है, तो वैसे बिल्कुल सेम है। तो अभी तक आपने देख लिया बिल्कुल सेम देखने को मिलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं माइलेज एविनेस में ज़्यादा निकल पाएगी। इंजन की बात करते हैं, इसमें 124 cc का 4-stroke एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्शन इंजन बर्गमैन में, जो प्रोड्यूस करता है 8.7 bhp 10 Nm टॉर्क। तो आप देख सकते हो बर्गमैन का इंजन कितनी पावर निकालता है। एविनेस की बात करते हैं तो इसमें भी सेम ही मिलता है, 124 cc का एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्शन, 8.7 bhp और 10 Nm टॉर्क। तो देख सकते हो कि पावर के मामले बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। और अगर दोनों के लेग ग्रिप की बात करते हैं तो वो बिल्कुल सेम देखने में मिलते हैं, बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं है। अब दोनों की अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें, आप देखो यार टू व्हीलर में एयर बैग तो लगा नहीं सकते, तो बिल्ड क्वालिटी देखते हैं किसमें क्या क्या मिलता है। तो एविनेस की बिल्ड क्वालिटी आप देख सकते हो बर्गमैन की, तो अगर कहीं ना कहीं बात करें ना तो बर्गमैन की एक हल्की सी ज़्यादा लगी बस। दोनों वैसे सेम मिलती है, लेकिन बस 1% कहीं ना कहीं ना बर्गमैन की सेफ्टी मतलब ज़्यादा देखने को मिलेगी, बस 1%, क्योंकि बर्गमैन का वेट ज़्यादा है शायद इस वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो ऊपर तो बिल्कुल सेम ही है, बस आगे की बिल्ड क्वालिटी जो मडगार्ड की बात करें वो बर्गमैन की ज़्यादा अच्छी है। और दोनों में ही साइड स्टैंड भी दिया गया है एविनेस में, तो बल्कि ये भी मिलता है कि अगर साइड स्टैंड लगा होगा तो इंजन स्टार्ट नहीं होगा। अब पता नहीं बर्गमैन में मिलता है नहीं मिलता, आप कमेंट करके बताना, पर शायद बर्गमैन में तो साइड स्टैंड कट ऑफ नहीं मिलता। तो अगर माइलेज की बात करते हैं ना तो कहीं ना कहीं एविनेस का मतलब वेट कम है, तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली माइलेज एविनेस में ज़्यादा निकल पाएगी। और अगर बिल्ड क्वालिटी तो आप देख ही सकते हो बर्गमैन की ज़्यादा अच्छी है। दोनों के एक बार एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं, वैसे तो बिल्कुल सेम है लेकिन फिर भी एक बार ही सुनाना तो बनता है। ये बर्गमैन की आवाज़, एविनेस को भी एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कोई भी डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है, बल्कि एविनेस, बर्गमैन और एक्सेस इनकी आवाज़ थोड़ी सेम ही देखने को मिलती है। तो आपने देख लिया ये स्कूटर बिल्कुल 90% सेम है, थोड़ा बहुत ही चेंज है, मतलब आप देख सकते हो कि बर्गमैन की बिल्ड क्वालिटी अच्छी मिलती है। बर्गमैन का क्या है कि लुक्स थोड़े स्पोर्टी मिलते हैं और सेफ्टी मिलती है, और ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। लेकिन अगर एविनेस की बात करते हैं तो लॉन्ग राइड भी कहीं ना कहीं अच्छी रह सकती है, मतलब उसकी हैंडल पोजीशन थोड़ी ऐसी है, और माइलेज कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल निकल पाएगी। कंफर्टेबल की बात करें ना तो एविनेस ज़्यादा अच्छी है, बाकी दोनों में नीचे की तरफ भी हुक देखने को मिलता है, और ट्रैफिक में निकलने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी एविनेस को।
तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो एविनेस आगे निकल जाती है बर्गमैन से। बाकी अगर टायर गार्ड की बात करें, दोनों में टायर गार्ड मिलते हैं, बर्गमैन में भी और एविनेस में भी। तो आप देख सकते हो एविनेस की सीट कहीं ना कहीं फ्लैट है, बर्गमैन की थोड़ी हल्की सी वैसी है। तो इसलिए कंफर्टेबल की बात करें तो एविनेस लॉन्ग राइड के लिए कंफर्टेबल हो सकता है। एविनेस में काफ़ी सारे और भी मॉडल आते हैं, आप देख सकते हो ये मोटो जीपी एडिशन खड़ा हुआ है। तो लुक्स तो देखो यार, वैसे अपनी पर्सनल चॉइस होती है, तो उसकी वजह से देखा जाए तो आप कोई भी स्कूटर ले सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली देखें ना तो एविनेस कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छा है प्रैक्टिकल देखें तो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, गुड लक।